हेलो, गुड आफ्टरनून। तो वेलकम टू डेली करेंट अफेयर एमसीक्यू। टुडे इज 30 जुलाई 2024। 30 जुलाई है आज 2024। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से बिना किसी देर के। देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है वो आरबीआई के बारे में कह रहा है, ठीक है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रिपोर्ट ऑफ करेंसी एंड फाइनेंस के बारे में कह रहा है, और कह रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, टिक करो। तो और देखो, इसका स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ पब्लिश बाय एनुअली आरबीआई, ये जो रिपोर्ट है आरबीआई के द्वारा निकाला जाता है। दूसरा कहता है माइक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहा है। तीसरा आपका कहता है द रिपोर्ट फोकस सोलली ऑन द डोमेस्टिक इकोनॉमिक इशू, डोमेस्टिक इकोनॉमिक इशू पर फोकस करता है। फोर्थ कह रहा है इट इंक्लूड द रिकमेंडेशन फॉर द फ्यूचर मॉनेटरी पॉलिसी, ये फ्यूचर मॉनेटरी पॉलिसी को रिकमेंडेशन प्रोवाइड कराता है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है, 10 सेकंड का टाइम है। देखो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी टू और फोर स्टेटमेंट गलत है, सॉरी टू और फोर स्टेटमेंट सही है, वन और थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा आपका थर्ड स्टेटमेंट, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या कहता है ये, देखो कहता है कि आपका जो स्टेटमेंट है वाइल डिजिटलाइजेशन इंप्रूव द एक्सेसिबिलिटी ऑफ कन्वेंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, तो आरबीआई कहा है कि इट्स रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस में, उसमें कहा है कि ये देखो बात करता है कि रिपोर्ट ऑन करेंसी फाइनेंस इज नॉट अ पब्लिश्ड एनुअली, पब्लिश नहीं होता है एनुअली, ये टाइम टू टाइम एक फिक्स शेड्यूल होता है उस पर ये आता है, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट में आपका गलत हो जाएगा कि ये आपका कह रहा है कि ये इकोनॉमिक इशू इन डेप्थ प्रोवाइड करता है, ठीक है। कवर डोमेस्टिक इशू तो करता ही है, लेकिन इकोनॉमिक इशू इन डेप्थ प्रोवाइड करता है, तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या सेबी को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है, ठीक है। सेबी का आपको फुल फॉर्म पता होगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है, 10 सेकंड का टाइम है। तो देखो, इसमें से क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, केवल एक ही स्टेटमेंट सही है आपका, ठीक है, और बाकी सारे स्टेटमेंट गलत हैं। चलो ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता क्या है कि लोक अदालत इन इंडिया को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है वो बताना है, ठीक है। 10 सेकंड का टाइम है। देखो, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, केवल ओनली वन सही है। कौन सा सही है आपका, ओनली वन, तो आपको पता होना चाहिए सिर्फ केवल फर्स्ट सही है, बाकी आपका थर्ड एंड सेकंड गलत है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है आपका भी रिसेंटली में वर्ल्ड फेमस एंजल फॉल की बात कर रहा है, वो भी न्यूज़ में था हाल ही में, तो वो कहाँ है लोकेटेड वो आपको बताना है, ठीक है। 10 सेकंड का टाइम है, प्लीज टिक करो। तो देखो, ये कहाँ है, ये आपका डी आंसर हो जाएगा, वेनेजुएला में है, ठीक है। ये चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, कह रहा है डिफेंस एक्विटाइजेशन काउंसिल जो आपका DAC है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, 10 सेकंड का टाइम है, प्लीज टिक करो। देखो, इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों में से दोनों स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। दोनों में से दोनों स्टेटमेंट कैसे गलत है, तो देखो बात करता है DAC कहता क्या है, तो DAC रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड अप्रूविंग द पॉलिसी गाइडलाइंस रिलेटेड टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ द एक्विटाइजेशन ऑफ डिफेंस एंड इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये प्रोक्योरमेंट ऑफ एक्विटाइजेशन की बात कर रहा है, यानी रख रहे प्रोक्योर करने के लिए और एक्वाइटाइजेशन करने के लिए आपका ये रिस्पॉन्सिबल है DAC, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो इसके चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, ना कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो आपका दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक, आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इसके बाद ना कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है, रिसेंटली तो वो भी कवर कर लिया जाता है। देखो, कह रहा है कि हाल ही में मनु भाकर जी ने क्या किया है, आपका फर्स्ट वुमेन बनी है वो, क्या कि 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट पेरिस ओलंपिक 2024 में उन्होंने जीता, क्या जीता, कौन सा मेडल जीता उन्होंने, तो आपका सी आंसर हो जाएगा, वो ब्रॉन्ज मेडल जीता, यानी कांस्य पदक जीता उन्होंने, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि देखिए, सिडबी के हाल ही में क्या हुआ है, सिडबी का चेयरपर्सन नया बनाया गया है, तो किनको बनाया गया है बताइए तो जरा, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी मनोज मित्तल साहब को सिडबी का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता क्या है, राजस्थान गवर्नमेंट अनाउंस टू प्रोवाइड द रिजर्वेशन टू अग्निवीर, अग्निवीर के रिजर्वेशन के लिए कौन से रिक्रूटमेंट के लिए उन्होंने कहा है कि उसमें प्रोवाइड कराएंगे, राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है, बताओ तो क्या कहा है उन्होंने, ए आंसर हो जाएगा आपका, जेल एंड फॉरेस्ट गार्ड और स्टेट पुलिस में जो अग्निवीर से रिटायर होकर आएंगे उनको उसमें रिक्रूट किया जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि अभी इंटरनेशनल टाइगर ऑब्जर्व डे मनाया गया जाता है एवरी साल, वो कब है, कब मनाया जाता है आपको बताना है, वो बताओ तो कब मनाया जाता है आपका, तो एक सेकंड, तो कब मनाया जाता है, एक सेकंड, हाँ जब कब मनाया जाता है आपका, तो सी 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है आपका, क्या इंटरनेशनल टाइगर ऑब्जर्व डे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओह तो आज यहीं तक रखते हैं सेशन को, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, बाकी पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद, थैंक यू ऑल।